से निकाय चुनाव प्रारंभ हुए हैं, तब से अब तक का ये पहला ऐतिहासिक विषय होगा जिसमें 16 तारीख को चुनाव, 19 को मतगणना, 21 को अध्यक्ष सभापति के और महापौर के नामांकन की तारीख और 26 तारीख को सभापति, अध्यक्ष और महापौर का चुनाव। ये स्पष्ट रूप से इस बात को प्रकट करता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर वोटों के आधार पर नहीं तो शायद वो सोचते हैं कि पार्षदों की मंडी लगा करके उसके आधार पर इन चुनावों को हम किसी प्रकार से निकायों के अध्यक्ष, सभापति और महापौर को हम बनाने में सफल हो पाएंगे, उस आधार पर तारीखों की रचना की है। 16 तारीख को चुनाव के बाद 13 दिन तक इस चीज़ को लंबित रखना, ये आज़ादी के आज़ाद राजस्थान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ से निकल के। मेरा स्पष्ट आरोप है कि पिछले 11 महीने के कालखंड को देखें तो ध्यान में आएगा कि कांग्रेस पार्टी के आने के बाद शहरों का विकास पूरी तरह ठप हुआ है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई, बिजली की LED लाइट, यहाँ तक हालत रही कि जो दिवाली का अवसर था उस दिवाली के अवसर पर भी घरों की रोशनी थी लेकिन सड़कों के ऊपर अंधेरा था, काली रात लोगों ने मनाने का काम किया। ये कांग्रेस सरकार आने के बाद विभिन्न निकायों में इस प्रकार की स्थिति बनी है। हालत यह है कि जितनी भी शहर की व्यवस्था हो सकती है, चाहे विकास का काम पूरी तरह ठप है, ठेकेदारों को लंबे समय से उनके काम का भुगतान नहीं होने के कारण से वो अपने काम को रोक कर बैठे और सारे विकास का काम ठहर गया है। स्थिति यहाँ तक है कि जिन कामों के वर्क ऑर्डर पिछले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगने से पहले जारी हो गए थे या जिनके टेंडर खुल गए थे उनके पैसों को भी रोक करके उन कामों की भी शुरुआत इन 11 महीनों में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं की है। विकास या शहरी विकास इनकी प्राथमिकता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जब हम शासन में थे इन निकायों को नियमित रूप से अपने स्वयं के साधन के अतिरिक्त भी, सड़क का विषय होगा, पानी का विषय होगा, बिजली का विषय होगा, इन सब की कैसे आपूर्ति समय पर पूरी की जाए इसको सुनिश्चित करने का काम किया। मुझे ध्यान है कि उस समय की सरकार ने छोटे निकाय, बड़े निकाय, निगम, इन सब को कैटेगरी में बांट करके वहाँ सड़कों का पूरा जाल ठीक से हो इसकी व्यवस्था करने का काम किया। हमने कहीं सैनिट जितने भी सीवरेज लाइन्स का काम है उसको ठीक ठीक तरह से व्यवस्थित रूप से बढ़े इसका प्रयास लगातार किया। LED लाइट जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने के बाद जिस बात को प्राथमिकता दी गई थी, स्वच्छता जिसको केंद्र सरकार का प्राथमिकता का विषय था उसको भी सरकार ने और निकायों ने प्राथमिकता से लेते हुए नीचे तक पहुंचाने का काम किया था जो इस कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह रोका है। केंद्र सरकार का एक लक्ष्य था कि हम सामान्य रूप से अपने देखा है कि पूरा जितने पंचायतों को पैसा सीधा पहुंचता है उसके माध्यम से विकास की एक चीज निकलती है। केंद्र ने कहा कि कुछ स्कीम निकाली, वो स्मार्ट सिटी योजना होगी, अमृत योजना होगी, हेरिटेज सिटी योजना होगी, और इन योजनाओं के माध्यम से कुछ शहरों का चयन किया और शहरों को चयन करके उनका व्यवस्थित तरीके से विकास हो इसको सुनिश्चित करने का काम किया। लेकिन 11 महीनों में इस कांग्रेस की सरकार ने सारे कामों को पूरी तरह से अवरुद्ध किया है। हालत यह है कि मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि सरकार अभी जो 3 महीने का किस प्रकार घटनाक्रम चल रहा है, अभी राजस्थान की जनता इसको भूल करके पूरी सरकार महाराष्ट्र के विधायकों की मिजाज पुरसी में और उसके स्वागत सत्कार में लगी हुई है। उनकी प्राथमिकता राजस्थान की जनता नहीं है, उनकी प्राथमिकता है किस प्रकार से हम यहाँ महाराष्ट्र के विधायकों को रोक करके रखें और हमारी सरकार वहाँ बन जाए, जो माइनॉरिटी में होने के बाद भी उनका एक हद तक प्रयास इस बात का रहा है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग का आज़ादी के बाद पहली बार, ये लंबे समय से मांग थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, MBC इन सब के आरक्षण को किसी प्रकार से अवरुद्ध किए बिना आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की थी। आज 11 महीने हुए हैं और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में शायद ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस इस देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया है और 55 साल में कभी कांग्रेस के ध्यान में नहीं आया कि इस वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके कुछ व्यवस्था इनकी नौकरियों में शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। पहली बात नरेंद्र मोदी की सरकार ने की और इस बात का ढोल पीटा जा रहा है कि कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इससे पहले भी गुजरात की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार
वो भी पहले दे चुकी है इस बात की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी दी है, कुछ और राज्य सरकारों ने दी है। केंद्र ने एक मापदंड बनाए थे और उन मापदंडों के आधार पर पूरे राज्य की एक सी स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए केंद्र ने मापदंड बनाकर दिए थे और फिर राज्यों को कहा था कि अपने अपने राज्यों के आधार पर, वहाँ की स्थिति के आधार पर आप इन गाइडलाइंस में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान के युवा का, जिस कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की आश्वासन देकर के सत्ता में आई थी, उस सरकार ने 11 महीने तक इस राजस्थान में इन युवाओं को, जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग से के वर्ग में आते थे, उनको नौकरियों से वंचित करने का रहा। आप जब ना, मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय इस बात का जवाब दें, आप रोजाना एक समूह को बुलाते हैं और माला पहनते हैं, साफा पहनते हैं, इस बात का जवाब दें कि इन 11 महीनों में जितनी नौकरियां निकली हैं, क्या आप उन सब के पीरियड को बढ़ा करके, अब आपने सर्टिफिकेट देने की बात शुरू की है, अब से लेकर के उनके टाइम पीरियड बढ़ा करके एप्लीकेशन को, डेट को बढ़ाने का प्लान करते हैं क्या? बड़ी संख्या में युवाओं को इसके कारण से नुकसान हुआ है। केंद्र की लगभग 2.5 लाख नौकरियाँ निकली हैं इस बीच में, और उन 2.5 लाख नौकरियों में राजस्थान के लोगों को भी इसके कारण से नुकसान हुआ है, जो इस 11 महीने के विलंब के कारण हुआ है। आज ये सारे विषय, और इसके साथ साथ हमने एक दृष्टिपत्र, हम अगर निकायों में आएंगे तो हम क्या दृष्टि रखते हैं इस विषय को लेकर के, एक दृष्टिपत्र आज हम आप सबके माध्यम से, राजस्थान के जिन 49 निकायों में चुनाव है, उन 49 निकायों के मतदाताओं के सामने दृष्टिपत्र हम रखें। हमारा एक ही मानना है, चाहे स्वच्छता का विषय होगा, LED का विषय होगा, हर गाँव को सुरक्षा के नाते CCTV के कैमरे से इक्विप करने की बात होगी, सीवरेज की बात होगी, सड़कों की बात होगी, इन सब को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, शौचालयों को के BOT के आधार पर चला करके वो बने भी और सुव्यवस्थित तरीके से चले भी, वहाँ कहीं अगर यातायात की व्यवस्था निकाय के अंतर्गत आती है तो उसको हम व्यवस्थित तरीके से चला सकें, ऐसे कुछ निकाल करके 24 बिंदु उसमें हैं जिनको हमने लोगों के सामने अपना 44 बिंदु हैं जिनको जनता के सामने हमने रखा है, लोगों को कहा है कि इन 11 महीनों के इस कांग्रेस शासन के काले दिनों को याद करें। भाजपा और केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो विकास के लिए और शहरी विकास के लिए योजना बनाई उनको याद करें, और हम अगर निकाय में आएंगे तो हम अपने निकायों के माध्यम से इन 44 बिंदुओं को लेकर के विकास के रास्ते सुलभ कराएंगे, इस बात का आश्वासन प्रदेश की जनता को करने जा रहे हैं।